ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा करने से क्या होता है? तो ब्रह्मा जी नारद जी को शिवपुराण सुनाते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आयु की इच्छा रखता है कि उसकी आयु बढ़ जाए, तो वो 1,00,000 दुर्बाओं को शिवलिंग पर चढ़ाए। जो भी व्यक्ति समीपद से महादेव की पूजा करता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति बेला के फूल महादेव को समर्पित कर देता है, उसे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं, जो घर में शांति, सुख शांति और परिवार लेकर चलती है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में एक अच्छी बहू आए, जो चाहते हैं कि उन्हें जीवन में एक अच्छी पत्नी मिले, तो महादेव पर बेला के फूल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा हम नहीं, ऐसा शिव पुराण कहती है। जो भी व्यक्ति दुपहरिया के फूलों से महादेव की पूजा करता है, उसे आभूषण की प्राप्ति होती है। हम लोग के गाँव में गुल दुपहरिया के फूल अत्यधिक लगाए जाते हैं, ये वही फूल हैं। यदि जो भी व्यक्ति जूही के फूल से महादेव की पूजा करता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। अगर पीला कनेर महादेव पर चढ़ाया जाए, तो उसे विद्या और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और लाल कनेर के फूल चढ़ाए जाए, तो उसे शत्रु समाप्त होते हैं। सिद्धुवरिया से फलिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए, तो मन निर्मल हो जाता है। 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तु प्राप्त कर जो वो चाहता है, उसे वो प्राप्त हो जाता है। वर्तमान ऋतु में, यानी जिस मौसम में जो फूल होते हैं, यदि वो शिव को समर्पित किए जाए, तो वो मोक्ष देने वाले होते हैं। राई के फूल से 1,00,000 संख्या में अगर शिव के ऊपर चढ़ाए जाए, तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, केवल चंपा और केवड़े को छोड़कर से सभी फूल भगवान को चढ़ाए जा सकते हैं। जो चमेली के फूल से शिव जी की पूजा करता है, उस मनुष्य को वाहन अत्यधिक उपलब्ध होते हैं, इसमें लेस मात्र संशय नहीं है। दोस्तों, अलसी के फूल से महादेव की पूजा की जाए, तो वो पुरुष भगवान शिव को अतिप्रिय हो जाता है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल यानी नारियल चढ़ाकर धूप आदि से पूजा करता है, उसे उस पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। यदि 1,00,000 तिल से शिव जी की पूजा की जाए, तो वो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो जौ द्वारा शिव जी की पूजा करता है, उसे स्वर्गीय सुख की वृद्धि होगी, यानी मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा, इसमें लेस मात्र संशय नहीं है। उसका परिवार सदा सदाचारी बनकर रहेगा। ब्रह्मा जी नारद जी को शिवपुराण सुनाते हुए कहते हैं कि विप्रवर, जो 1,00,000 गेहूं से महादेव की पूजा करता है, उसकी यहाँ संतान की वृद्धि होती है। साथ ही बेटा पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। यदि मूंग सिर्फ शिव जी की पूजा की जाए, तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। जो अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करता है, उसे उस पूजा से नाना प्रकार के सुख और संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ना तो मैं किसी भी बात को बिना प्रमाण के मानती हूँ, ना ही किसी बात को बिना प्रमाण के बताती हूँ। तो अगर आपको मेरी बातों पर लेस मात भी संशय हो कि ऐसा मैंने शिव पुराण से नहीं बताया है, तो आप शिव पुराण के रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में 13वें अध्याय में ये वर्णित बातें पढ़ लीजिएगा। क्योंकि शिव पुराण में जिसने इन बातों को नहीं पढ़ा, उसने मान लो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें हर समस्या के समाधान का हल है। हर हर महादेव।